नमस्कार, खबरों के अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विकास शर्मा। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2023 के 48वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को बुरी तरह हरा दिया। गुजरात ने 9 विकेट से जीत हासिल की तो जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स की पारी 17.5 ओवर में 118 रन पर सिमट गई। वहीं गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 13 ओवर 5 गेंदों में 1 विकेट गंवाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात टाइटंस ने इस जीत के साथ मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स के हाथों मिली हार का बदला ले लिया। आपको बता दें कि राजस्थान ने गुजरात टाइटंस को 16 अप्रैल को अहमदाबाद में 3 विकेट से हराया था। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर कायम रहे गुजरात की मौजूदा सीजन में ये 7वीं जीत है। गुजरात के 14 अंक हो गए हैं और उसने प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने अच्छी शुरुआत की। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ने पहले विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। लग रहा था कि दोनों मैच जिताकर लौटेंगे, लेकिन शुभमन गिल 10 ओवर में युजवेंद्र चहल के आगे नहीं टिक पाए। उन्होंने 35 गेंदों में 6 चौकों के जरिए 36 रनों की पारी खेली। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 11 ओवर में एडम जंपा के खिलाफ 3 छक्के और 1 चौका मारा। हार्दिक ने साहा के साथ 48 रन की साझेदारी की और टीम जिताकर लौटे। हार्दिक ने 15 गेंदों में 39 रन बनाए, वहीं साहा ने 31 गेंदों में 5 चौके लगाकर 41 रन हासिल किए। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने निराशाजनक आगाज किया। सलामी बल्लेबाज जोश बटलर 8 और यशस्वी जायसवाल 14 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। कप्तान संजू सैमसन ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए। राजस्थान की खस्ता हालत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता था कि उसके 8 विकेट 100 का आंकड़ा पार करने से पहले ही डूब गए। देवदत्त पडिक्कल ने 12 और ट्रेंट बोल्ट ने 15 रन का योगदान दिया। तो ये थी आईपीएल से जुड़ी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल खबरों के अड्डा को सब्सक्राइब करें।